उत्तराखंड सरकार द्वारा जोर शोर से चारधाम यात्रा की तैयारी हो रही है। यात्रा के लिए इस बार भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों और हरिद्वार व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सरकार की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का विरोध किया और पर्यटन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राज्य के मुख्यमंत्री से चारधाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म करने की उन्होंने मांग की है। जो दूर दराज गाँव देहात का आदमी है उसको यही नहीं पता रजिस्ट्रेशन क्या चीज है, और एक रजिस्ट्रेशन का जो ये फरमान हर साल ये लागू कर देते हैं उसका क्या मतलब है। आपने जो तैयारी करनी है यात्रा के ऊपर, संबंधित यात्रा रूटों के ऊपर धामों में यात्रियों की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ यात्री की 30,000-35,000 यात्री की ठहरने की व्यवस्था है, सब व्यवस्था ऑलरेडी है। और सरकार वहीं 5,000 की संख्या करती है, कहीं 9,000 की, कहीं 18,000 की, कहीं 15,000 की, ये क्या सिस्टम है। तो भारत से किसी भी जगह पर, आप लोग भी सब जानते हैं इस विषय को, कि किसी भी जगह पर कोई संख्या का निर्धारण की व्यवस्था रही नहीं है। तो मात्र हमारी चारधाम यात्रा से किसकी क्या नाराजगी है, क्यों इसमें कुठाराघात किया जा रहा है, ये खाली विषय पर्यटन का विषय नहीं है, ये तीर्थाटन का विषय भी है। कारोबारियों ने आरोप लगाया कि एक तरफ तो सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रचार कर रही है, दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या को सीमित किया जा रहा है। यात्रियों की संख्या सीमित कर देने से चारधाम यात्रा से जुड़े होटल ट्रैवलर और अन्य तमाम व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए वो सरकार से मांग करते हैं कि चारधाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म करें, नहीं तो उन्हें आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। तो इसका हम घोर विरोध करते हैं, इस पे आपत्ति दर्ज कराते हैं कि सरकार इस पे पुनर्विचार करे कि भाई ये सीमित संख्या पर किसी प्रकार से हम इसको मानने को तैयार नहीं है। हमारी सीधी सीधी एक सूत्रीय मांग आज जो हमने धरना प्रदर्शन किया, इस पे एक सूत्रीय मांग है कि ये जो सीमित संख्या लगी है ये हटनी चाहिए। ये नियम लागू करा है, इसको नियम को वापस करना चाहिए, कोई संख्या सीमित नहीं होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में कोई संख्या कहीं भी सीमित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।